हेलो डियर लर्नर्स वेलकम टू एन आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 27 सेवन दैट इज नॉमिन क्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल अभी हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक कंपाउंड के नॉमिनक्लेचर के बारे में हाउ साइक्लिक कंपाउंड इफ नॉट एरोमेटिक देन हाउ वी क्लासीफाई फॉर एग्जाम्पल हमने एक रिंग डिस्कस की ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी देर इज अ हेग्जेन रिंग ठीक है सिक्स कार्बन के देंगे तो हम यहाँ पर हेग्स यूज करेंगे एज अ रूट वर्ड एंड बिफोर रूटवर्ड वी पुट प्राइमरी प्रफिक्स दैट इज साइक्लो इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड बट नॉट एरोमेटिक कंपाउंड एंड वी यूज प्राइमरी सफेक्स दैट इज एन वाई एन बिकॉज देर इज ओनली सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं है तो so यही कारण है कि हम यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स एन यूज करेंगे देन द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लो हेग्ज एन

अल्टरनेट डबल बॉन्डो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ठीक है? तो और फोर एन प्लस टू पाई रूल को वो फॉलो करें ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं तो अगर एरोमैटिक है तो उस केस में हम ये यूज नहीं करेंगे अगर एरोमैटिक नहीं है क्या है एलिसाइक्लिक है यूज सेकेंडरी सफिक्स बिफोर द प्राइमरी ओके एटम्स और ग्रुप्स ऑफ द एटम्स फ्लूरो फॉर एनओट ग्रुप एंड एल्कोक्स फॉर ओ आर ग्रुप आर रिफर टू आर सब्सिट्यूट तो हम फ्लोरिन केस में फ्लोरोवर्ड यूज करते हैं ब्रोमिन के केस में ब्रोमो आयोडिन के केस में आयडो दीज आर समिक्स दैट इज सेकेंडरी सफिक्स तो इनको भी हम बेसिकली फंक्शन ग्रुप में रखते हैं सो मूविंग टू द्लाइड एज यू कैन सी ऑन योर स्पीन देर इज अ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे ये कैसा स्ट्रक्चर है दिस इज एलिसाइक्लिक और एरोमैटिक दिस इज एलिइक्लिक वाई दिस इज एलिइक्लिक आप देख पा रहे हो देर इज नो डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है एंड फोर एन प्लस टू पाई रूल तो इसमें लग ही नहीं सकता बिकॉज देर इज नो डबल बॉन्ड तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा हमारा एलिसाइक्लिक साइक्लिक में आएगा एरोमेटिक में नहीं आएगा तो फिर वही रूल हम फॉलो करेंगे देयर इज टू फंक्शनल ग्रुप वन इज ब्रोमीन एंड वन इज ओ एच ठीक है तो जो हमारा ब्रोमीन है दिस इज प्रिफिक्स प्रिफिक्स में आता है हमारा ठीक है प्रिफिक्स केस में आता है एंड इफ यू टॉक अबाउट ओ एच ग्रुप तो ये हमारा किस में आ जाएगा ये हम uh, इसमें यूज करेंगे ठीक है एल्कोहल का केस है तो ये हमारा सफिक्स में आ जाएगा दिस इज फॉर सफिक्स तो हम पहले रूटवर्ड लिखेंगे रूटवर्ड के पहले हम प्रस लिखेंगे और ब्रोमीन है तो हम क्या यूज करेंगे फॉर ब्रोमिन वी यूज ब्रोमो ब्रोमिन के लिए हम क्या यूज करते हैं ब्रोमो अभी हमने देखा था एंड इसकी पोजीशन हम काउंट करेंगे कैसे काउंट करेंगे इफ यू टॉक अबाउट ओ एच ग्रुप एंड ब्रोमीन तो इसमें से जो हमारा बल्कि ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज ओ एच तो हम ब्रोमीन को इसके बाद में लेंगे इसको हम प्रिफरेंस देंगे देन uh, नंबरिंग हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे है थर्ड पोजीशन पर है तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे थ्री ब्रोमो ठीक है देन वी यूज रूट वर्ड एंड रूट वर्ड के पहले हम साइक्लो लगाएंगे बिकॉज ये हमारा कैसा है एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो वी यूज साइक्लो देन हाउ मेनी कार्बन आर देयर सिक्स कार्बन आर देयर सो वी यूज ग्जेन ओके okay. एन क्यों क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एंड वन ऑल वन ऑल वी यूज फॉर दिस एल्कोहलिक ग्रुप बिकॉज ये फर्स्ट पोजिशन पे लगा हुआ है तो फर्स्ट पोजिशन पे हम ऑल लिखेंगे सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थ्री ब्रोमो साइक्लोहेगेन वन ऑल ठीक है साइक्लोहेगजेन वन ऑल या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं थ्री ब्रोमो साइक्लोहेगज बिकॉज़ फर्स्ट पोजिशन जो होती है वो अगर हम हेग्जो भी लिखते हैं तो वो फर्स्ट पोजिशन कैरी हो जाती है तो दिस नेम इज वट थ्री ब्रोमो और वन ऑल और थ्री ब्रोमो नॉल नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड सो वट आर दंबरिंग कौन कौन से स्टेप्स हैं

Then step number four is to write the full name of prefix, parent and suffix. Here parent is what root word. यहाँ पर parent क्या हमारा root word है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हमारी chain है उसको identify करेंगे, उसकी naming करेंगे। Then we uh, 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 name the prefixes और उसकी position decide करेंगे। Then finally हम prefix, parent name and suffix को एक साथ लिखेंगे। So these are steps. तो चलते हैं डिस्कस करते हैं ओके यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर इज अ ग्रुप ठीक है तो हम किसी भी कंपाउंड को दो तरीके से लिख सकते हैं विदर इट इज मतलब उसके मोलिकुलर फॉर्मूले के फॉर्म में और स्केल्टल फॉर्मूले के फॉर्म में तो अगर हम मोलिकुलर फॉर्मूला लिख करके केवल उसका कर रहे हैं देन दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर ठीक है तो किसी भी कभी कभी आप देते हो बुक्स में भी स्केल्टन स्ट्रक्चर्स होते हैं और आप क्या करते हो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो देर इज नो कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि स्केल्टल स्ट्रक्चर और नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है आपका मोलिकुलर स्ट्रक्चर उसमें क्या डिफरेंस है सो so, आपको क्या करना है स्केल्टन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर दिस कार्बन सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो देयर आर नाइन कार्बन सिंपली स्केल्टन में भी हम नाइन कार्बन ड्रॉ करेंगे विद जिग्जैक्ट फॉर्मूला सो दिस इज वन दिस इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन सो देर आर नाइन कार्बन और हर कार्बन के साथ आप देख पा रहे हो कि फोर बॉन्ड बनाता है तो फोर बॉन्ड हम सिंपली बना लेंगे इसने एक बॉन्ड बनाया है तो ये तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इसने दो बनाए हैं तो ये दो और फर्दर बनाएगा फिर ये दो देन टू टू हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन देन थ्री हाइड्रोजन सो दिस इज द सिंपली स्केल्टल स्ट्रक्चर तो अगर आपको वहां पर मोलिकुलर फॉर्मूला ना लिखा हो सिंपली स्केल्टल ड्रॉ हो तभी भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स इन योर एग्जामिनेशन विल गिवन बाय इन द फॉर्म ऑफ स्केल्टल स्ट्रक्चर तो आपको स्केल्टल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना आना चाहिए मूविंग नेक्स्ट स्लाइड सो देर इज अ एग्जाम्पल देर इज एन एग्जाम्पल तो ये स्केल्टल फॉर्म में दिया हुआ है तो so, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई uh, करेंगे नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो हम नंबरिंग कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है वो किस साइड से पास पड़ेगा कहाँ से पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे विदर इट इज सिमेट्रिकल और अन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल क्या होता है अगर जो हाँ जहां पर भी हमारा फंक्शन ग्रुप लगा है वहां पर प्लेन पोरोइज लाइट अगर हम डालते हैं वो सेम स्ट्रक्चर uh, में अगर डिवाइड होता है तो हमारा सिमेट्रिकल है अगर सेम स्ट्रक्चर में डिवाइड नहीं होता है दन ऑन दैट केस वी कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में तो नेमिंग करने के लिए हम रूल फॉलो कर सकते हैं बट सिमेट्रिकल बहुत सिंपल है बिकॉज बोथ साइड से अगर सेम सेम कार्बन के बीच में अगर वो मिडिल में हमारा फंक्शन ग्रुप पड़ रहा है तो उस केस में हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो दिस इज वन टू थ्री फोर फोर्थ पोजिशन पे आ रहा है बट अगर आप इधर से भी नंबरिंग करोगे दिस इज वन टू थ्री फोर, तो ये भी फोर्थ पोजिशन पे आ रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा वो कैसा है सिमिट्रिकल है मतलब दोनों पोजीशन से दोनों साइड से हमारा सेम पोजीशन पे फंक्शन को पा रहा है तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सिमिट्रिकल तो इसकी नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं सो so, क्या करेंगे फॉर दैट सो एज यू कैन सी वी काउंट लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी ले सकते हैं इस साइड से भी ले सकते हैं इस साइड से भी ले सकते हैं दोनों ही केस में फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है तो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है फॉर फोर वी यूज व्हाट हेप्ट वी यूज हेप्ट एंड देयर इज सिंगल सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है तो क्या यूज करेंगे एन यूज करेंगे एज अ रूट वर्ड ठीक है तो हम एन यूज करेंगे तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें हेप्ट यूज करना है एंड एन यूज करना है देन नेक्स्ट तो फोर्थ पोजिशन पे हमारा कार्बन फोर्थ कार्बन के साथ ब्रोमिन अटैच है तो इसकी पोजिशन क्या हो जाएगी फोर हो जाएगी देन इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे फाइनल आंसर इसका क्या होगा सो so, अगर हम प्रिफिक्स लिखें सबसे पहले देन पेरेंट चेन का नेम देन उसका सफिक्स देन वट विल वी गिव ब्रोमो हेप्ट एंड एन ठीक है हमें क्या मिल रहा है ब्रोमो हैप्ट एंड एन वेर ब्रोमो इज प्रिफिक्स एन हेप्ट इज रूट वर्ड ठीक है और ये जो एन है हमारा ये क्या हमारा प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स तो इन तीनों का अगर हम साथ में लिखेंगे तो हमारे कंपाउंड जो है उसका नेम क्या हो जाएगा लाइक like, अगर हमें प्रिफिक्स को डिफाइन करना है तो प्रिफिक्स की पोजीशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी प्रिफिक्स हमारा ब्रोमो है और फोर्थ पोजीशन पर है तो इसका नेम क्या हो जाएगा फोर ब्रोमो देन वी यूज रूट वर्ड दैट इज हेप्ट देन प्राइमरी सफिक्स दैट इज एन तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फोर ब्रोमो हेप्टेन बहुत ही सिंपल आई बेस इन अगर आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके देन मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट एग्जांपल सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दर इज अ स्ट्रक्चर अभी इस टाइम ये सिमेट्रिकल नहीं है सिमेट्रिकल क्यों नहीं है क्योंकि अगर आप इधर से काउंट करो तो वन टू थ्री तीन कार्बन आ रहे हैं ठीक है और इधर से काउंट करो तो वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ पोजिशन पे आ रहा है तो दोनों साइड हमारी सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो अनसिमेट्रिकल के केस में हम क्या करेंगे अनसिमेट्रिकल के केस में हम जिधर से हमारा फंक्शन ग्रुप पास पड़ा उधर वाले केस को लेंगे यानी थर्ड पोजीशन पे जो हम उसको काउंट करेंगे सो हाउ मेनी कार्बन देयर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन सेवन कार्बन आदे प्ट तो so, हम हेप्ट यूज करेंगे फॉर दिस So we just identify the position. अगर इस साइड से हम count करेंगे तो third position पे आएगा इस साइड से count करेंगे तो ये fifth position पे आएगा तो हमें क्या करना है minimum जो साइड उसको decide करना है तो third position वाला ही यानी इसी को हम carry करेंगे यानी इस साइड से हम इसकी नंबरिंग करेंगे देन हमने प्रिफिक्स जान लिया हमने रूट वर्ड जान लिया अभी हम इसकी नंबरिंग करते हैं ओके सो नंबरिंग हम करते हैं तो अगर हम देखें इस साइड से तो फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है देन पॉसिबली नंबर आपका जो फर्स्ट सबसे है वो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग की है then what will be the final answer so the final answer is 3 bromo heptane okay where bromo is primary prefix hept is root word or parent name okay and n is what N is our primary suffix okay तो प्रिफिक्स क्या है प्रिफिक्स जो नेम के रूट वर्ड के पहले लिखा जाएगा रूट वर्ड, सफिक्स सफिक्स सफिक्स, सफिक्स अगर दोनों हैं, तो उस केस में हम पहले प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स सफिक्स क्या है हमारा जो भी फंक्शन रूप आता है सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज थ्री ब्रोमो हेप्टेन देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड सो मोर प्रिफिक्स आर देयर

अब ये आर कुछ भी हो सकता है आपका सी एच थ्री हो सकता है सी टू एच फाइव हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है सो दे आर इंड एल एल इंडिकेट दे आर फ्रेगमेंट ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल तो बिगर मॉलिक्यूल के साथ अगर जो कार्बन के फ्रेगमेंट्स जुड़े होते हैं दैट इज नोन एज एल्किल ग्रुप और उसको हम आर से इंडिकेट करते हैं वो आपका सिंबल है बेसिकली सिंबलाइज करते हैं कैपिटल आर से ये कुछ भी हो सकता है सी एस थ्री हो सकता है सी टू एच फाइव हो सकता है कोई भी हमारा फ्रैगमेंट हो सकता है तो इसको हम वाई एल से डिफाइन करते हैं लास्ट में चेन के फॉर फ्रैगमेंट, ये आइडेंटिफाई होता है एज अ फ्रैगमेंट फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बेसिकली

CH4 तो किसी से कंबाइन नहीं हो सकता CH3 कंबाइन हो सकता तो एज अ फ्रैगमेंट हम C मेथेन का फ्रैगमेंट क्या हो जाएगा CH3 सो दिस फ्रैगमेंट इज कॉल्ड मेथिल तो मेथ प्लस YL इसके साथ हम यूज करेंगे एंड दिस YL इंडिकेट द फ्रैगमेंट ठीक है ये क्या हमारा फ्रैगमेंट वेयर मेथ स्टैंड्स फॉर वन कार्बन एंड YL स्टैंड्स फॉर फ्रैगमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप तो एल्किल ग्रुप का जो फ्रैगमेंट है जो भी हो हमारा उसके बाद हम क्या करेंगे वाई एल एड कर देंगे एंड दिस विल इंडिकेट द फ्रैगमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन चेन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर इज अ स्ट्रक्चर ठीक है शोन हियर कितने कार्बन का है सात कार्बन का है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन इसकी नंबरिंग हम इधर से करेंगे अगर तो कितने कार्बन हो गए थ्री फोर्थ पोजिशन पे आ रहा है इधर से अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4. तो फोर्थ पोजिशन पर ही आ रहा है तो नंबरिंग हम कैसे भी कर सकते हैं बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल इन नेचर तो सिमेट्रिकल है कोई प्रॉब्लम नहीं है हम आसानी से कर लेंगे किसी भी साइड से फोर्थ पोजिशन पे आ रहा है तो कितने कार्बन है हमारे सेवन कार्बन आर देयर हाउ मेनी कार्बन आर देयर सेवन कार्बन देयर सो यो क्या हो जाएगा हमारा हेप्टेन फोर्थ पोजीशन पे एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है फोर्थ पोजीशन पे ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है सो दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फोर मेथिल हेप्टेन हेप्टेन वाई हेप्टेन बिकॉज यहां पर आप देख रहे हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सेवन कार्बन सार्डेयर सो मूविन एज यू कैन सी ऑन यूर स्ट्री थिल ग्रुप एज अ फ्रैगमेंट अगर एथिल ग्रुप है आप देख पा रहे हो यहां पर ये एक कार्बन है ये एक कार्बन है तो यह आपका सी एच टू है ये क्या है सी एच थ्री दिस इज सी एच टू दिस इज सी एच थ्री वही में बात कर रही थी दिस इज सी टू एच फाइव फ्रेगमेंट ठीक है सी टू एच फाइव फ्रेगमेंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा मेथ प्लस एथ ये एथ हो जाएगा

हेप्टेन, ओके मूविंग नेक्स्ट स्लाइड। सो प्रोपिल ग्रुप के केस में हम क्या करेंगे लाइक like, आप देख पा रहे हो यहां पर कितने कार्बन है वन टू एंड थ्री तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीएच टू सी एच टू सी एच थ्री तो दिस इज प्रोपिल ग्रुप तो हम क्या करेंगे यहां पर एन प्रोपिल ऐड करेंगे एन प्रोपिल एड करेंगे स्ट्रेट चेन के साथ प्रोपिल तो एड करेंगे जो भी हमारा ग्रुप होगा उसके साथ हम इस केस में एड करेंगे देन ग्रुप अब आइसोप्रोपिल का स्ट्रक्चर कैसा होगा अगर जो एक कार्बन है सिंगल कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो चेन फॉर्म में नहीं है सिंगल कोई कार्बन है फिर फर्दर वो दो कार्बन के साथ ब्रांच फॉर्म में जुड़ा है देन दिस ग्रुप यहां से लेकर के ये पूरा जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एस आईसो ग्रुप ठीक है अब ये क्या है कितने कार्बन है तीन कार्बन है वन टू एंड थ्री तो आइसो क्या हो जाएगा प्रोपेन आइसो प्रोपेन एंड इसमें हम वाई एल यूज करेंगे तो आइसो प्रोपिल ग्रुप हो जाएगा क्या हो जाएगा आइसो प्रोपिल देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड ब्यूटिल ग्रुप तो ब्यूटिल के केस में आप देख पा रहे हो कितने कार्बन है ब्यूट इज यूज फॉर फोर कार्बन वन टू थ्री एंड फोर दिस इज सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड सी एच थ्री तो ये हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटिल और यहां पर हम क्या यूज करेंगे एन ब्यूटिल बिकॉज देर इज नो ब्रांच सिंपल चेन है तो वहां पर हम यूज करेंगे एन ब्यूट इज फॉर फोर कार्बन वाई एल फ्रैगमेंट इसलिए हम यूज कर रहे हैं देन सेकेंडरी ब्यूटिल सो फॉर सेकेंडरी ब्यूटिल इफ देर इज वन कार्बन इट इज ब्रांच लाइक दिस ये आपका सी थ्री हो गया ये सी टू हो गया देन सी टू देन सी थ्री इस तरीके से ब्रांच है तो इस यहां पर हम इस केस में यूज करते हैं सेकेंडरी Is used, okay? तो ये सेकेंडरी, है, and आपका सेकेंडरी ब्यूट और फ्रेगमेंट है तो वाइएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटिल्स आर फाउंड जब आप आई यूपी से नॉमिन क्लिचर करते हैं तो वहां पर आपको मिलेंगे अदर आपका आईसो ब्यूटिल तो आईसो ब्यूटिल आप देख पा रहे हो स्ट्रक्चर के केस में मैंने आपको बताया था इफ देर इज वन कार्बन एंड वो ब्रांच है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है दो कार्बन से तो ये क्या हो जाएगा आइसो यूज करेंगे फॉर दिस वी यूज आइसो एंड देर आर फोर कार्बन सो फॉर दैट वी यूज ब्यूट एंड ये फ्रेगमेंट है तो वाई एल हम एस में एड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटिल ब्यूटिल अब टर्ट हम यूज करते हैं टर्ट टहां यूज करते हैं जहां एक कार्बन डायरेक्ट तीन कार्बन से जुड़ा हो इस तरह की ब्रांचिंग हो तो वहां पर हम यूज करते हैं टर्ट टी टी ई आर टर्ट टीईरशरी का मतलब एक कार्बन फर्दर तीन कार्बन से जुड़ा हो और ये हमारे कितने कार्बन हो गए टोटल फोर कार्बन ब्यूट एंड ये फ्रेगमेंट आपका तो हम यूज करेंगे वाइल तो ये क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप The next, naming of some branches. तो ये एक आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे हाउ मेनी कार्बन सर्देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड carbons are there. और इधर से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ पोजीशन पे इधर से भी अगर हम नंबरिंग करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ पोजिशन पे आ रहा है तो दिस इज सिमिट्रिकल इन नेचर ये आपका क्या है सिमिट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन नाइन तो ये नोनेन हो नो जाएगा आपका नाउ वी डिस्कस अबाउट साइक्लिक साइक्लो ग्रुप में क्या होगा वेन नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड

आगे अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ आपको समझ में आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल दिस पर एक साइक्लिक ग्रुप लगा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रांच है ठीक है ये एक चेन निकली हुई है सो हाउ मेनी कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो एक कार्बन साथ है इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे ठीक है ये वाला कार्बन आपका रिंग में भी है तो कॉमन है ये हमारा ठीक है तो एज अ प्रिफिक्स यूज करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन आर एट तो साइक्लिक हमारा एज अ प्रिफिक्स यूज होगी ठीक है तो इसकी नंबरिंग हम कैसे करेंगे द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज वन साइक्लो ऑक्टेन तो हमने क्या किया साइक्लिक ग्रुप को हमने क्या मान लिया प्रिफिक्स मान लिया क्यों प्रिफिक्स मान लिया अभी मैंने आपको बताया अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन की जो चेन है वो कम है तो उसको हम क्या करेंगे एज अ प्रिफिक्स मान करके चलेंगे अदर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटेन का एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल है आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं सो दीज आर सम साइक्लिक कंपाउंड्स, इनकी भी नेमिंग आप कर सकते हैं देर आर थ्री ब्रांचेस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 एथिल 3 आइसोप्रोपिल साइक्लो पेंटेन हो जाएगा बिकॉज फाइव कार्बन की चेन यहां पर है इसी तरीके से हमारा सिस ट्रांस में भी होगा कंपाउंड एंड uh, अगर दो साइड पे अगर सेम कंपाउंड्स लगे हुए तो उसको हम सिस बोलेंगे कार्बन देन वी कॉल्ड एज ट्रांस सो दिस इज अबाउट द थर्ड पार्ट इन दिस पार्ट वी हैव बिन डिस्कस अबाउट सम एलीट लिख एंड एरोमेटिक कंपाउंड उसके साथ ही साथ हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थैंक्स फॉर दिस सेशन थैंक यू लर्नर्स